उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत को लेकर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि कानपुर में विगत दिनों अपराधी विकास दुबे द्वारा सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी, जिसके बाद प्रदेश की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विकास दुबे सहित उसके साथियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और इस कोरोना महामारी में संक्रमण से रोकथाम के लिए संक्रमित मरीजों के लिए समुचित इलाज का प्रबंध किया और लॉकडाउन में फंसे 32 लाख प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार ने 1500 से अधिक ट्रेनें चलाकर और प्रदेश सरकार ने 1200 से अधिक बसों को चलाकर उनके घरों को पहुंचाया और उन प्रवासी मजदूरों को उनके स्किल मैपिंग के आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध कराया एवं प्रवासी मजदूरों को राशन किट और 1000 का जीवन निर्वाहन भत्ता भी दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश जातिवाद की राजनीति से बाहर निकला है। पिछले 25-30 वर्षों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने जातिवाद के वोट बैंक की राजनीति में उत्तर प्रदेश को जितना पीछे धकेला था, उसकी पूरी रिकवरी इन 3 सालों में योगी सरकार के कार्यकाल में केंद्र की मोदी सरकार के सक्रिय सहयोग से मिली है। लगातार प्रदेश हर मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है, चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, कानून के राज को स्थापित करना हो या तमाम सारे रोजगार की योजनाओं और औद्योगिक विकास को लेकर कीर्तिमान स्थापित करना हो। यह बात उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, सपा, कांग्रेस, बसपा, उनको पच नहीं रहा है। वो 2022 में अपना भविष्य एक बार फिर से अंधकार में देख रहे हैं, उससे और आगे 2024 में भी अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। इस कारण जातिवाद की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं और कानून व्यवस्था, अपराध तथा अपराधियों के मुद्दे पर भी जातिवादी जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप सबको संज्ञान में है, कानपुर का बिकरू का पुलिस कर्मियों का जघन्य हत्याकांड एक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे, जो कई पुराने मामलों में अभियुक्त रहा, जिसने पूर्व राज्य मंत्री संतोष शुक्ला, पूर्व प्रधानाचार्य सिद्धेश्वर पांडे से लेकर के आधा दर्जन से अधिक ब्राह्मण परिवारों के प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़े हुए लोगों की हत्या की। ऐसे तमाम मामलों के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए, मामलों की पूछताछ के लिए जब पुलिस बल वहाँ पहुँचता है तो वह व्यक्ति 2 दर्जन से अधिक गुंडे, माफिया, बदमाश टाइप के लोगों को इकट्ठा करके अंधाधुंध सीओ देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे हुए पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां बरसाता है, उनकी हत्या करता है, उनके पैर काटता है, उनके लाशों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको जलाने की कोशिश करता है और उसके बाद वहां से फरार होता है। यह घटना एक सामान्य घटना नहीं थी, एक सामान्य छोटी मोटी आपराधिक घटना नहीं थी, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती थी। और योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खात्मे का संकल्प लेकर सरकार में आई थी, उसको यह चुनौती कतई स्वीकार नहीं थी। इसलिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में जो कानून के राज की स्थापना हुई, बड़े बड़े अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे या जमानतें निरस्त करा करके जेल में गए थे या पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे, उस योगी सरकार ने इस घटना पर भी त्वरित कार्रवाई की और उस त्वरित कार्रवाई में वह दुर्दांत अपराधी और उसका सहयोग करने वाले अन्य अपराधी भी मारे गए। विपक्षी दलों को आगे आकर योगी सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए थी, बधाई देनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून का इकबाल, पुलिस का इकबाल बुलंद करने के लिए बहुत कम समय में सक्षम रूप से तत्पर कार्रवाई की है। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन से जिस तरह से कांग्रेस, सपा, बसपा, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश जी के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बार विकास के रास्ते पर दौड़ रहे उत्तर प्रदेश में फिर से वो जातिवाद की जहर घोलना चाहते हैं। वो विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर को एक ब्राह्मण के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर बताते हैं। अपराधी अपराधी होता है। सरकार जब कोई काम करती है, सरकार जब प्रदेश की जनता के हित के बारे में सोचती है तो क्षेत्र और संप्रदाय और जाति के आधार पर नहीं सोचती है। विकास दुबे ब्राह्मण नहीं है, विकास दुबे एक अपराधी है। और जो विपक्ष के लोग हैं, जो तरह तरह के सवाल, अनुचित सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं,
उनको राज्य मंत्री संतोष शुक्ला और उनके परिवार के बारे में चिंता नहीं होती, उनको सीओ देवेंद्र मिश्रा और उनकी बिलखती बेटियों के बारे में चिंता नहीं होती, उनको 8 शहीद पुलिस कर्मियों के बारे में चिंता नहीं होती। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ समझ रही है। और इसके पीछे एक और फ्रस्ट्रेशन है, कोविड की महामारी के दौरान जितनी कुशलता से केंद्र की मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जितनी संवेदनशीलता, जितनी गंभीरता, जितनी तत्परता से न केवल इस महामारी के संक्रमण को फैलने से, उसका प्रभाव कम करने से बचाया, न केवल संक्रमित लोगों के तत्परता से इलाज करने की व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सपा बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं थे, योगी सरकार ने कम समय में तात्कालिक रूप से 1466 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। आज प्रदेश के हर जिले में वेंटिलेटर है, आज 2,00,000 सैनिटाइजर रोज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, आज 1,05,000 से अधिक कोविड को डेडिकेटेड बेड उत्तर प्रदेश में हैं। न केवल इस महामारी से बचने का इंतजाम हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अधिक रोजगार सृजन हुआ। अभी 1 करोड़ से ऊपर रोजगार सृजन के कार्यक्रम का शुभारंभ स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया। जिस तरह से 1500 से अधिक ट्रेनों को लगा करके 32,00,000 से अधिक प्रवासियों को न केवल उत्तर प्रदेश उनके घर सुरक्षित रूप से वापस लाया गया, बल्कि उनको सबको राशन का किट, 1,000 रुपया जीवन निर्वाह का भत्ता और फिर से उनको रोजगार छोड़कर यहाँ आए थे तुरंत ही उनको मनरेगा और अन्य माध्यमों से रोजगार देने की व्यवस्था की गई, उनकी स्किल मैपिंग की गई। इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में 9,00,000 से अधिक लोगों को स्किल मैपिंग करके विभिन्न औद्योगिक संगठनों और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के साथ MOU साइन करके उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाना। इन सारी परिस्थितियों को देखकर, जनता की संतुष्टि का स्तर देखकर, जनता इस महामारी के समय में भी जिस तरह से मोदी योगी का नाम जप रही है, इन सब परिस्थितियों से विपक्ष के लोग फ्रस्ट्रेशन हैं, उसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर के इस तरह की आपराधिक मामलों में भी, अपराधियों के मामले में भी जातिवाद की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। मैं इस निम्न स्तरीय राजनीति की निंदा करता हूं और उनको ये चेतावनी भी देता हूं कि जनता सब देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास की राजनीति करने लगी है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार के और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। जो इस गाड़ी को उसकी पटरी से उतारने की कोशिश करेगा, जो फिर से उत्तर प्रदेश को संप्रदायवाद और जातिवाद की राजनीति में झोंकने की कोशिश करेगा, उसको आने वाले चुनाव में भी जनता सबक सिखाएगी, उनका सूपड़ा साफ होगा। तो मैं एक विशेष विषय पर केंद्रित करके रखना चाह रहा था, दिया गया है उस डेट तक देखेंगे कितने लोगों का डेटा अपलोड हुआ है, कितने लोगों का नहीं अपलोड हो पाया है। अगर किसी तकनीकी असुविधा के कारण कुछ लोगों का डेटा अपलोड नहीं हो पाया होगा तो समय बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। हम अपने स्तर से उसकी रिपोर्टिंग ले रहे हैं, हमको रोज का रोज डेटा हमारे पास विभाग के पास आ रहा है, कितने दिन कितना लोगों ने अपलोड किया, पूरे शिक्षकों की संख्या भी हमको पता है। अगर जिन लोगों ने जानबूझकर अपलोड नहीं किया है, इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा मामला, उनकी जांच करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो लोग तकनीकी कठिनाई के कारण नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, उनके बारे में सोचेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो समय बढ़ाएंगे। शिक्षक और पदाधिकारियों पर ट्रांसफर नहीं होता, एक ही दिन में कई साल पड़े हैं, ना किसी पर बेसिक शिक्षा में ट्रांसफर रूटीन नहीं होता है, यहाँ की प्रक्रिया अलग है, परिषदीय व्यवस्था के शिक्षक हैं, नियमित ट्रांसफर नहीं होता। कभी कभार सरकार विशेष अनुमति देती है तो अंतर जनपदीय तबादले होते हैं या जनपद के भीतर होते हैं, और उसमें किसी पदाधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत, जिसमें दो ही तरह के ट्रांसफर होते हैं, एक ऑन डिमांड जो आदमी ट्रांसफर की मांग करता है और दूसरा किसी शिकायत के आधार पर।